फिल्म इंडस्ट्री से इस वक्त बहुत बुरी खबर आ रही है। छोर टीवी शो अनुपमा के एक्टर ऋतुराज सिंह की डेथ हो चुकी है। वो सिर्फ 59 साल के थे। उनकी डेथ की खबर पर किसी को भरोसा नहीं आ रहा। इस खबर से ऋतुराज के फैंस और उनके करीबी एक्टर्स सदमे में चले गए हैं। ऋतुराज हाल ही में अस्पताल में एडमिट हुए थे। कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई। ऋतुराज की डेथ की वजह से परिवार में कोहराम मच चुका है। ऋतुराज टीवी का जाना माना नाम थे। उन्होंने साल 1993 से टीवी शो अपनी बात से करियर की शुरुआत की। वो ज्योति, हिटलर दीदी, वॉरियर भाई, आहट और अदालत, ये रिश्ता क्या कहलाता है समेत कई टीवी शोज में काम किया। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया। वो एक खेल राजनीति, बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी कई फिल्मों में नजर आए। ऋतुराज की मौत पर भरोसा करना लोगों को मुश्किल हो रहा है। एक्टर अमित बहल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अस्पताल से घर लौटने के दौरान ऋतु को कार्डियक की प्रॉब्लम हुई और इसी में उनकी डेथ हो गई। ऋतुराज इससे पहले अनुपमा में दोस्त की भूमि निभाने वाले रितेश पांडे का भी इंतकाल हुआ था। उनकी उम्र 51 साल थी। उनकी भी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। ऋतुराज की डेथ की खबर सुनते ही स्टार्स उनके घर पहुँचना शुरू हो चुके हैं।